केंद्र सरकार ने आतंक पर कड़ा प्रहार करते हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की नकेल कस दी है। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करके घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। 2019 में अस्तित्व में आया ये आतंकवादी संगठन कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के लिए जाना जाता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक टीआरएफ युवाओं को ऑनलाइन भर्ती कर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी टीआरएफ शामिल है। आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाने का ऐलान करते हुए गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि आतंकी संगठन सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाता है। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए कई मामलों में टीआरएफ का नाम सामने आता रहा है। सूत्र कहते हैं कि हाल ही के दिनों में टारगेट किलिंग में टीआरएफ के हिट स्क्वाड फाल्कन स्क्वाड का नाम सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हाल ही में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकवादी संगठन के प्लान को डिकोड किया था। फाल्कन स्क्वाड टीआरएफ का हिट स्क्वाड है जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज है। गृह मंत्रालय ने न सिर्फ आतंकवादी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर बैन लगाया है बल्कि लश्कर के आतंकियों को आतंकवादी घोषित कर उनका काम तमाम किया है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया है। दोनों पर यह कार्रवाई यूएपीए के तहत हुई है। सरकार का कहना है कि अबू खुबैब जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, फिलहाल वो पाकिस्तान में है। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। यानी केंद्र सरकार आतंकवाद और आतंकवादियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। आतंक और आतंकवाद को शह देने वाले संगठनों और उनके परस्तों की कमर तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।